नमस्कार दोस्तों, अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता। आपने ये बात कई बार सुनी भी होगी, हो सकता है आप में से कई लोग इस बात पर बिलीव भी करते हो। लेकिन अगर आज की वीडियो आपने एंड तक देखी तो आपको एक चीज क्लियर हो जाएगी कि अकेला व्यक्ति बहुत कुछ कर सकता है। तो आज मैं बात करने जा रहा हूँ ग्रेटा थनबर्ग के बारे में। यहाँ मैं दो टॉपिक्स को कवर करूंगा, एनवायरमेंटल रिलेटेड और इंडिविजुअल डेवलपमेंट रिलेटेड। तो दोनों टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। आज से ठीक एक साल पहले 20 अगस्त 2018 को एक 15 साल की लड़की स्वीडिश पार्लियामेंट के बाहर बैठती है क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने के लिए। उस समय वहां पर कोई नहीं था, सिर्फ वो अकेली थी। जैसा कि हम सबको पता है, जब भी हम कोई नया काम शुरू करते हैं या कुछ भी नया स्टार्ट करते हैं तो कोई भी साथ नहीं देता। ठीक उसके साथ भी ऐसा ही हुआ। ना दोस्त साथ आए, ना यार साथ आए, ना रिश्तेदार काम आए, लेकिन वो अकेली रही। वहां पर वो टिकी रही। उसके कुछ डिमांड्स थे कि सरकार इस तरह के एक्शन जरूर ले जिससे कि जो कार्बन एमिशन हो रहा है वो कम हो सके अकॉर्डिंग टू पेरिस एग्रीमेंट। लेकिन धीरे धीरे जब उसने इस चीज को शुरू किया, इसमें लगी रही, अकेले ही सही लेकिन टिकी रही, डटी रही, तो 20 अगस्त 2018 के बाद आज के क्या हालात है वो देखिए जरा। कंट्रीज से 7 मिलियन लोगों ने उसके साथ इस मोमेंट में काम किया, इस मोमेंट में साथ दिया। और मजे की बात यह है कि इंडिया से भी 26 डिफरेंट सिटीज से, डिफरेंट लोकेशन से 14,000 लोगों ने इसमें साथ दिया। लेकिन एक चीज का क्वेश्चन मार्क हमें यहां पे लगता है, 133 करोड़ की आबादी जिसमें से 60% युवा है और वहां सिर्फ 14,000 लोग। तो सोचने वाली बात है कि अगर कोई ऐसा ही शो प्यारी प्यारी दो अखियों वाला होता तो वहां पे हजारों में भीड़ ऐसे ही हो जाती। अगर कोई पॉलिटिकल लीडर की कोई रैली होती तो हजारों में भीड़ वैसे ही हो जाती। तो शायद अभी हमें यहाँ पे अंदाजा नहीं है कि ये कितना बड़ा इशू है। ठीक है, ग्लोबल लेवल पे हमें समझ में नहीं आ रहा, तो मैं आज इंडिया लेवल की बात करूंगा। तो आज मैं कुछ रिपोर्ट्स के बारे में बात करूंगा। उससे पहले एक बेसिक सी चीज समझते हैं कि किसी भी व्यक्ति को जिंदा रहने के लिए 3 चीजों की जरूरत होती है, एयर, वाटर, फूड। फूड कुछ दिनों तक ना मिले चलेगा, वाटर कुछ दिनों तक ना मिले चलेगा, लेकिन हवा, सांस अगर कुछ मिनट भी ना आए, कुछ सेकंड भी ना आए, नहीं चल सकता। तो मैं आज सीधा सीधा एयर के बारे में बात करने जा रहा हूँ। तो कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार मैं बात करूंगा, 10,000 में से 8 बच्चे 5 साल पूरा होने से पहले ही मर जाते हैं अगर वो इंडिया में पैदा होते हैं। सोच सकते हो कंडीशन कितनी खराब है कि प्राइमरी एजुकेशन ले भी नहीं पा रहे, उससे पहले ही मौत के घाट उतर जाते हैं। एक और सर्वे मैं आपको दिखाता हूँ। यूएस स्टडी की एक रिपोर्ट के अनुसार अगर आप इंडिया में पैदा हुए हो तो आपकी 3 साल उम्र वैसे ही घट गई। मतलब ऊपर वाले ने आपको बोला कि जा बेटा 70 साल जिएगा, तो उसमें से 3 साल वैसे ही घटा लो क्योंकि आप इंडिया में जन्म लिए हो। तो दोस्त यहाँ पे कंपेयर मत करना, मैं जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ उस पर ध्यान देना। और ये एक और चार्ट है, इसको ध्यान से देखना। इसमें जो ब्लू कलर का रीजन है ना, इसमें जो इंडिया की हवा की कंडीशन है वो इतनी खराब है कि अगर इसमें सांस ले तो मौत भी हो सकती है लंबे समय तक अगर ये टॉक्सिन्स अंदर में जाते रहे, इतनी ज्यादा कंडीशंस खराब है। एक और चार्ट है जिसको अगर आप देखोगे कि इंडिया में अगर हम पैदा हुए हैं और अगर हमारी डेथ रेट्स काउंट की जाए, उसमें जो मौत की कंडीशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसमें जो चौथा फैक्टर है वो है एयर पॉल्यूशन। वही मैं एक और रिपोर्ट की बात करूं तो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के हिसाब से इंडिया नंबर 1 पोजीशन पे है कार्बन इमिशन के मामले में। ये कार्बन इमिशन वही है जो क्लाइमेट चेंज के लिए मेजरली रिस्पॉन्सिबल है। WHO की एक रिपोर्ट के अनुसार सन 2080 तक हमारी जो अर्थ का टेम्परेचर है वो 2 से 3 डिग्री राइज कर गया होगा। दोस्त अब आप सोच रहे होंगे 2-3 डिग्री राइज कर जाए तो मुझे क्या फर्क पड़ता है, मैं तो झेल लूंगा। शायद आपको ये नहीं पता जो अभी एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस हो रही हैं, ज्यादा अगर गर्मी पड़ती है तो ज्यादा गर्मी आ रही है, एकदम सर्दी हो रही है तो ज्यादा सर्दी आ रही है, बारिश हो रही है तो फ्लड्स आ रहे हैं। करंट सिचुएशन में जो आज वीडियो बना रहा हूँ, अब पटना में और पुणे में बाढ़ है। पिछले दिनों आपने सुना भी होगा उड़ीसा में, वेस्ट बंगाल में, केरल में बाढ़ की कंडीशन थी, तो उनका एक रीजन क्लाइमेट चेंज भी था। अभी 0.8% का राइज हुआ है तो ये कंडीशंस है, अगर 2 से 3 डिग्री हो गया तो सोच सकते हो आप क्या है। तो दोस्त इसको सॉल्व करने के 2 ही तरीके हैं। एक मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ जो इंडिविजुअल लेवल पे आप कर सकते हो, ऊपर आई बटन में लिंक है, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और दूसरा है अवेयरनेस क्रिएट करके, क्योंकि ये बात ना तो टीवी में आपको दिखाई जाएगी ना आपको बुक्स में आपको लिखा होगा, ये आपको अवेयर करना पड़ेगा, लोगों को जागरूक करना पड़ेगा। इट्स नॉट अबाउट सेविंग अर्थ, इट्स नॉट अबाउट सेविंग क्लाइमेट, इट्स नॉट अबाउट सेविंग वाटर, इट्स ऑल अबाउट यू, इट्स ऑल अबाउट सेविंग यू, इट्स ऑल अबाउट सेविंग अस।
दोस्त सिंपल भाषा में समझो, किसी के लिए नहीं करना, ये खुद के लिए करना है, ये तुम्हें खुद को बचाना है, ये इतनी इंपॉर्टेंट बात है। अगर आप पेरेंट्स हैं तो प्लीज अपने बच्चों के साथ पार्ट लीजिए ऐसे मूवमेंट में को सक्सेसफुल बनाने के लिए। जहां जहां जैसे जैसे हुआ वो मैंने आपको बता दिया। अगर आप भी ऐसे मूवमेंट का पार्ट बनना चाहते हैं तो ये अभी एक बार हो गया ऐसा नहीं है, ये रेगुलर बेसिस पे होता जाएगा। #FridaysForFuture जो कि ग्रेटा ने स्टार्ट किया है, इसी तरह जो आपके आसपास नियर बाय में जहां प्रोटेस्ट होना है, अगर आप उसकी जानकारी चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने एक फॉर्म दे दिया है, उसको फिल कर देना, आपको अपने आप पता चल जाएगा। दोस्तों अब दूसरे पर्सपेक्टिव की बात करते हैं कि इंडिविजुअली हम कितना कुछ सीख सकते हैं। एक 15 साल की लड़की जिसको जो चीज गलत लगा उसने उसको गलत कहा, जो सही लगा उसको सही कहा, कितनी बड़ी पावर है ना। सोचो हम एक 60% जिस कंट्री के पास यूथ है वो क्यों आगे नहीं बढ़ पा रहा, वो अभी तक सुपर पावर क्यों नहीं बढ़ पा रहा, क्योंकि लीडरशिप क्वालिटी ना के बराबर है। सही को सही गलत को गलत कहने की भी हिम्मत नहीं है, ऐसे मूवमेंट में पार्ट लेने की भी हिम्मत नहीं है। तो दोस्त अपने अंदर की जो पावर है, अंदर की जो लीडरशिप है उसको बाहर निकालो। इंडिविजुअल लेवल पे हर एक चीज में, चाहे आप एक स्टूडेंट हैं, चाहे आप एक जॉब वर्कर हैं, चाहे आप एक एंटरप्रेन्योर हैं, चाहे आप बिजनेसमैन हैं, एमएलएम लीडर हैं, कुछ भी है, ये बहुत जरूरी है। यहाँ से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं एक 15 साल की लड़की से, जब वो कर सकती है तो आप क्यों नहीं। दूसरा और सीख सकते हैं कि एक लीडर आपको कहता नहीं है, करके दिखाता है। आपको शायद ये कहानी ना पता हो कि जो ग्रेटा है, जो अभी यूएन में जो समिट हुआ उसमें जाने के लिए उसने ना तो एयरवेज को चुना, ना वाटरवेज को चुना, उसने एक फेरी को चुना जो कि सोलर सिस्टम से चलती थी और उसी के सहारे हो गई। जो वो मात्र 4 घंटे में डिस्टेंस कवर कर सकती थी उसने 10 दिन लगाए उसे, क्योंकि उसने एक प्रण ले रखा है कि अपनी पूरी लाइफ में एक कण भी CO2 का इमिट नहीं करूंगी। दोस्त ये होता कमिटमेंट, ये होता लीडरशिप, ये आप सीख सकते हो। और कुछ बातें आप कर सकते हैं जो इंडिविजुअल लेवल पे आप एनवायरनमेंट के लिए कर सकते हैं, वो मैं बताता हूँ कि आपने पहला तो प्लांट का प्लांट तो है ही, दूसरा आप जो चीजें हैं उसमें प्लास्टिक बैग्स को ना के बराबर ही इंक्लूड कीजिए, आपके पास घर में जो है ना उसको तो यूज कर ही सकते हो। तीसरा आप अपने प्राइवेट ट्रांसपोर्ट की बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कीजिए, भले ही छोटा लग रहा होगा आपको ये, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप करके देखिए और फर्क देखिए। चौथा अपनी डाइट में कुछ चीजें चेंज कर लीजिए, हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप वेजिटेरियन हैं, आप वेजिटेरियन खाना खाते हो और नॉन वेजिटेरियन खाना खाते हो, तो दोनों में के कार्बन एमिशन में बहुत ज्यादा अंतर है। वेजिटेरियन खाना कार्बन एमिशन कम पैदा करता है, नॉन वेजिटेरियन बहुत ज्यादा करता है। अगर आप नॉन वेज खाते हो तो उसकी फ्रीक्वेंसी घटा सकते हो, हफ्ते में एक बार कर सकते हो, जिनसे हाईली कार्बन एमिशन होता है उनको आप कम कर सकते हो। दोस्तों अगर ये वीडियो समझ में आई हो तो वीडियो को अच्छे से शेयर करना हर जगह, क्योंकि पॉजिटिव न्यूज बहुत धीरे फैलती है। और अगर आपका कोई भी सजेशन है नीचे कमेंट में बता सकते हो। मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। पीपल आर सफरिंग, पीपल आर डाइंग, एंटायर इकोसिस्टम्स आर कोलैप्सिंग, वी आर इन द बिगिनिंग ऑफ ए मैस एक्सटिंक्शन।